क्लास ले लिए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? भीड़ के चलते कल जल्दी मिल नहीं रहा, नहीं मिल रहा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत भीड़ है, देखिए यहाँ पे। अच्छा, हम लोग कल मिल गया, अब जाएंगे। हाँ, और आपको कैसा लग रहा है? हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा लग रहा है। कलश लेने के लिए आए हैं, 10 साल पर आए हैं। बोल बेटा, कहाँ घर है? मेरा नानी घर है, कलश लेने के लिए आई है। कलश लेकर कैसा लग रहा है? कारण की पढ़ाई आती है, पहाड़ी है। समाजी मंदिर जेठियन में लोग अपने कलश का इंतजार कर रही हैं महिलाएं, और कारण की गर्मी का समय है, हर कोई चाहता है कि पहले हम कलश को उठाएं और यात्रा प्रारंभ करें। लेकिन मेन बात यह है कि कलश या आप तभी ले जा सकते हैं पहले, जब जो मेन कलश होता है वो पहले उठेगा, उसके बाद आपको जाना है। तो मेन कलश का उठने का इंतज़ार है, और महिलाएं देख रहे हैं कितना क्रेज है, महिलाओं में कितना उत्साह है। लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे हाथ में कलश हो और हम धर्म के पथ पर लेकर के उसे आगे बढ़ें, जय श्री राम का नारा लगाते हुए उसे आगे बढ़ें। कारण कि यहाँ से जो है जाना है, जो जिस चढ़ाई को चढ़ना है महिलाओं को, वो काफ़ी हार्ड है। जेठियन काफ़ी टॉप पे है, और इस गर्मी में भी जेठियन में उनको आने में काफ़ी कठिनाई होगी। लेकिन इतना जोश, इतना जज्बा, इतना उत्साह है कि लोगों को उसकी कोई परवाह नहीं है कि वो इतने भीड़ में और इतने धूप में लोग आएंगे। कलश यात्रा प्रारंभ होने वाला है, उसी कितनी भीड़ है। लोग हर लोग चाह रहे हैं कि मेरा कलसा सबसे पहले हो, अपने कलसा को लें, और उसी अफरा तफरी का जो है वो माहौल बना हुआ है। लाइन में ला करके अपने बारी का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग कलश ले लिए हैं, और अब ये लोग, आप लोग ले लिए कलसा तो पंडाल में बैठते ना है। कलश ले लिए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? भीड़ के चलते नहीं मिल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत भीड़ है, देखिए यहाँ पे। अच्छा, हम लोग कलश मिल गया, अब जाएंगे। और आपको कैसा लग रहा है? हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा लग रहा है। कलश लेने के लिए आए हैं, 10 साल पर आए हैं। बोल बेटा, कहाँ घर है? नानी घर है, कलश लेने के लिए आई है। कलश लेकर कैसा लग रहा है? कारण की पढ़ाई आती है, पहाड़ी है, चढ़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, देखिए कितना लोगों में श्रद्धा है, कितना विश्वास है कि लोग गर्मी के समय में भी लोग कलश यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और कलश ले लिए हैं, मुस्कुरा रही हैं। धूप भी होगा तो कैसा लगेगा? कैसा लगे? हाँ, अच्छा अच्छा लगेगा ना। और यही हौसला, यही जोश जो है आदमी में शक्ति भरता है। कलश के बाद लोग अपने, उनका जो रास्ता है वहाँ पर लोग जाने के लिए आगे आगे ध्वजा चलेंगे, लेकिन ध्वजा के आगे नहीं चलना। पहले ध्वजा लेकर यशमान आगे के लिए और देखिए कि सभी लोग उत्साह के साथ में, कलश के साथ में लोग आगे बढ़ रहे हैं। कलश लिए, कैसा लग रहा है सालू? अच्छा लग रहा है, और कैसा लग रहा है? हैं? अच्छा लग रहा है। बहुत मुश्किल है चढ़ना? नहीं है, एकदम आसान है, भगवान हैं? नहीं है। आप भी शामिल हुए हैं पूरा? हम कलश नहीं लेने बाबा। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? एकदम अच्छा लग रहा है, भगवान का नाम लेकर खुशी खुशी चलो। हाँ, सभी बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोग, महिलाएं कलश लेकर के बढ़ रही हैं। कलश लिए हैं, इतना गर्मी में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और काफ़ी मुश्किल है तो भगवान का नाम लेते हुए पार लगा देना है ना ही। तो बोलिए जय श्री राम। जल यात्रा के बाद जल लेकर के सारे महिलाएं, देखिए जेठियन घाटी को ये सब क्रॉस कर रही हैं। जेठियन घाटी का ये जो विहंगम दृश्य, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है इसका, और इंजॉय कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, भगवान का नाम ले ही नहीं रहे हैं। बोला है जय जय सिया राम।
जय जय सिया राम, जय जय श्री राम। भगवान का नाम लेते चलना है और काफ़ी हार्ड होगा लौटने के बाद में। ये जब पहाड़ तपेगा, ये सड़क जब गर्म होगा, महिलाओं को काफ़ी कठिनाई होगा, लेकिन इतना जोश है, इतना जज्बा है, इतना उल्लास है कि लोग भूल रहे हैं कि हम इतना हार्ड कड़ाई कर रहे हैं। देखिए और यहाँ पर लोग इतने शरीक हो रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत खूबसूरत दृश्य। भगवान का नाम लेते हुए चलना है। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।